50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैरड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 7812 12 वोल्ट रेगुलेटर 7805 5 वोल्ट रेगुलेटर 2 यूएसबी सॉकेट 0 पीसीबी सोलर पैनल जो मेरे पास है सोलर पैनल 5 वोल्ट का है अप्रॉक्स 12 वोल्ट आउटपुट आता है इसका तो बेसिकली सर्किट बनाते हैं और सर्किट कनेक्शन करने के लिए जो सोलर पैनल से वोल्टेज आ रहा है उसको हमें दो पार्ट में यूज करना है दो सॉकेट यूज कर रखे हैं यूएसबी के इसलिए यूज कर रखे हैं क्योंकि हमें एक 12 वोल्ट चाहिए और एक 5 वोल्ट चाहिए 12 वोल्ट आपको बेसिकली मोटर या फिर लाइट वाइट यूज करनी है उसके लिए और नॉर्मल 5 वोल्ट क्योंकि हमें जो बेसिकली जो डिवाइसेस यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वो हम बेसिकली 5 वोल्ट पे ही चार्ज होते हैं तो वो उसके लिए यूज करेंगे 5 वोल्ट सिंपल यूएसबी केबल अटैच करना है और चार्ज करना है तो इसके लिए जो सर्किट है बहुत सिंपल सर्किट है फिल्टर्स लगा रखे हैं रेगुलेटर लगा रखा है और सॉकेट लगा रखा है तो देखते हैं सर्किट कैसे बनेगा इसका सोल्डर करने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं आपको एक है रेगुलर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स अपने पास कंपोनेंट्स रखे हुए हैं जैसे आप यूज कर रहे हो जीरो पीसी रखा हुआ यूज कर रहे हो तो देखो इस पे ना अब देख रहे हो आप देख रहे हो ये जो कॉपर होता है ये ब्लैक होता जाता है तो इसमें दोनों में डिफरेंस देख सकते हो आप ये नया नहीं है इसी में इसी का टुकड़ा है पर ये आप बोलोगे कि ये दोनों दो देख सकते हो आप जीरो पीसी लेफ्ट वाला जो है वो हल्का जो कॉपर है उसका ब्लैक हो चुका है और राइट वाला शाइन कर रहा है तो जो राइट वाले में सोल्डरिंग करूंगा ना मैं वो बहुत जल्दी ग्रिप होगा और बहुत सही सोल्डरिंग होगी इसमें लेफ्ट वाले में आपको ज्यादा उसको यूज करना पड़ेगा और बहुत जल्दी ड्राई होगा क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा है और बेसिकली मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये दोनों एक ही है एक ही पीसीबी से अभी जस्ट काटा है मैंने इसे तो ऐसा क्या किया कुछ नहीं किया जो इरेजर्स होते हैं जो पेंसिल वाले इरेजर्स जो होते हैं उनसे नॉर्मल आप इसे क्लीन कर सकते हो ठीक है क्लीन करने के बाद ही सोल्डर करो ये छोटी चीजें बहुत इफेक्ट डालती हैं सर्किट पे और आपको इजी भी होगा सोल्डर करने के लिए बहुत जल्दी बहुत अच्छा सोल्डर होगा अगर आप इसे क्लीन करके सोल्डर करते हो तो कैपेसिटर माउंट कर देते हैं पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे की ओर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्क भी होता है दोनों कैपेसिटर मार्क कर लिए 12 वोल्ट रेगुलेटर मैं 12 वोल्ट रेगुलेटर को ऊपर की ओर रख रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी को भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो दो रेगुलेटर कनेक्ट कर दिया मैंने कनेक्शन कर लेंगे अभी पहले मैं माउंट कर लेता हूं क्योंकि ये वो कंपोनेंट्स नहीं है जो आप जैसे आप रोटेट करोगे ये फॉल कर जाएंगे तो इजीली कनेक्शन कर लेंगे एक बार में और फिर हमारे पास सॉकेट्स हो गए सिंपल वही मैंने माउंट किया माउंट करने से भी होता है कितना पीसीबी आप यूज करोगे लेस से लेस पीसीबी यूज करके छोटा सर्किट बनाओ बेटर रहेगा और लुक भी अच्छा आएगा सर्किट का अब मैं इसे सही से माउंट कर लेता हूँ अरेंज करके सिर्फ मैंने अभी माउंट किया फिर कनेक्शन कर लेते हैं वन बाय वन मैं थोड़ा इसे अपवर्ड की तरफ मूव कर दिया अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं सोल्डर कर लेते हैं सोल्डर हो चुके हैं सारे कंपोनेंट्स अब सुबह हमें कनेक्शंस करने हैं इनके कनेक्शन को मैं सर्किट डिस्टेंस समझाऊंगा कैसे कनेक्ट करना है वन बाय वन जो सोलर पैनल है उसके जो रेगुलेट कर रहे हैं वोल्टेज को रेगुलेट करके हमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट चाहिए जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट है मतलब फ्लक्चुएटेड है वो 12 वोल्ट डिपेंड करता है जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके ऊपर वो कम होगी तो वोल्टेज कम आएगा वो मैक्स होगी तो वोल्टेज 12 वोल्ट आएगा 12 वोल्ट के अप्रोक्स आएगा तो उसको हमें 5 वोल्ट लेके आना है और 12 वोल्ट लेके आना है दो सप्लाई बनानी है 5 वोल्ट से जैसे हम फोन या इक्विपमेंट चार्ज कर सके बेसिकली 5 वोल्ट ही होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हम यूज करते हैं दो कैपेसिटर्स लिए हैं एज अ फिल्टर के लिए जो फ्लक्चुएशंस हैं वो रोकने के लिए क्या होता है लाइट इंटेंसिटी जो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है तो उसके लिए यूज किया ये तो बेसिकली मेरे पास अभी टू कैपेसिटर्स हैं ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव अब इनको कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे ये हमारे रेगुलेटर्स हैं दो रेगुलेटर्स हैं 7812 7805 मतलब 12 वोल्ट का और
5 वोल्ट कैलकुलेटर, बेसिकली 12 वोल्ट जब सप्लाई दे रहे हैं तो हमें नीड क्यों है, हमें कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए, फ्लक्चुएटेड नहीं चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसके लिए कैपेसिटर यूज है, ये चार्ज और डिस्चार्ज होता है, तो जैसे ही वोल्टेज कम होगा तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें वो फिल कर देगा, बेसिकली जहां पे हमें नीड होगी वहां पे ये कैपेसिटर फिल कर देगा और 12 वोल्ट अप्रोक्स देने की कोशिश करेगा। रेगुलेटर क्या करेगा, एक्यूरेट हमें 12 वोल्ट आउटपुट देगा। तो इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट पिन इनपुट होता है, फर्स्ट पिन इसका इनपुट, सेकेंड ग्राउंड, थर्ड आउटपुट, दोनों का सेम होगा। अब कनेक्शन करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इनपुट दोनों में सेम चाहिए, ग्राउंड भी दोनों का कॉमन कर दिया, आउटपुट कॉमन नहीं कर सकते ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या करना है, हमें इनपुट देना है फर्स्ट में, तो सिंपल क्या करना है, पॉजिटिव से वायर लेना है और इनपुट कनेक्शन कर देना है। ग्राउंड कनेक्शन के लिए नेगेटिव से वायर लेंगे और ग्राउंड कनेक्शन कर देंगे। हमारे हो चुके हैं ग्राउंड कनेक्शन, सिंपल दोनों रेगुलेटर के। अब हमें आउटपुट्स लेना है, हमारे पास दो यहाँ पे जो आप यूएसबी यूज करते हो वो सॉकेट्स पड़े हुए हैं, और इनमें अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताऊं कि आपको कैसे मेजर करोगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेसिकली अगर मैं इस जो ये प्लास्टिक है अंदर की ओर जहां पे वायर्स कनेक्टेड है उसको ऊपर की ओर रखूं, तो मेरा लेफ्ट वाला नेगेटिव है, राइट वाला पॉजिटिव है, तो इस बेस पे मैं चलूंगा। तो इसको मैं ऊपर की ओर रखते हुए यूं कनेक्ट करूंगा ताकि मेरा जो अपर वाला है वो क्या रहे, पॉजिटिव लोअर नेगेटिव, सेम अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव। दोबारा बताता हूं, ऊपर की ओर अगर मैं इस प्लास्टिक को करता हूं, इंटरनल जो प्लास्टिक है उसको ऊपर की ओर करता हूं, तो लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, मुझे फर्स्ट वाले में 12 वोल्ट आउटपुट चाहिए और सेकेंड वाले में 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए, प्योर डीसी, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं, तो रेगुलेटर ऑफकोर्स मुझे प्योर डीसी देगा। तो मैं यहां से सिंपल एक वायर कनेक्ट कर दूंगा पॉजिटिव में, मुझे नेगेटिव कनेक्शन करना है, और नेगेटिव कौन से है, ये है, आप यहां से ले सकते हो कनेक्शंस, नेगेटिव कनेक्शन। जो इनपुट होगा जो हमारा सोलर पैनल है उसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, सिंपल आपको इनके पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, प्योर सर्किट है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट यूजिंग सोलर पैनल, सर्किट कनेक्ट करते हैं। जो कनेक्शन कन्वर्ट हो चुका है, जो सोलर पैनल से वायर्स आ रहे हैं उसको कनेक्ट करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव,
पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं। उसके बाद रेगुलेटर्स हमारे 12 वोल्ट 5 वोल्ट, और दोनों रेगुलेटर के सेपरेटेड हमारे पास सॉकेट्स हैं। यूएसबी के थ्रू भी यूज कर सकते हो, आप कोई भी कनेक्शन कर सकते हो। देख लो आपने, सिर्फ हमने दो वायर कनेक्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव, तो सिंपल आप वायर भी निकाल सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कैसे आउटपुट लेना है। मुझे यूएसबी में लेना था, मैंने यूएसबी में कनेक्ट कर लिया। आपको सिंपल वायर्स लेने हैं, सिंपल वायर ले सकते हो। कंप्यूटर चुका है, इसका आउटपुट चेक करते हैं।